मैं गरीब सच टेक तू मेरे सतगुर पूरे देख तुम्हारा दर्शनों मेरा मन तीरे नापते तेरे हर गुण गाव नानकी प्रभ बेनती साध संग समाव फिरत फिरत प्रभ्याया परया तो शरनाए नानकी प्रभ बेनती अपनी भगती लाए तेरे कवन कवन गुण कह के गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी मैं मां बरन ना साको तू ठाकर उच भगवाना जुग जुग अटल शब्द ब्रह्म सतगुरु तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत आप जी वडभागे हो जो सतगुरु जी दी रहमत दे पात्र बन के साहिब दी हजूरी विच जुड़ बैठ के अमृतमई बचन जिथे सारियां भैणां मावां ने मिल के सुखनी साहिब दे पाठ कीते हन उस उपरांत गुरबाणी कीर्तन राही सेवा कर रहे सन भाई दलेर सिंह जी अते उन्हां दे नाल उन्हां दे साथी अपने सेवक की आपे रख है आपे नाम जपावै जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठता वै गुरबाणी नूं जिस वेले भी आपां पढ़दे हां उस दी शब्दावली दा हर एक अखर जो है हर एक जो वर्ड है लफज है उनू जरूर ध्यान विच रखना है। सतगुरु जी ने इथे लफज वरत्या है अपने सेवक की। आओ इन्हां गुरमत विचारां दे नाल सांझ तो पहलां अपने मन जरूर एकागर करके बाणी वाले पासे जोड़न दा जतन करिए। फतेह दी सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अपने सेवक की आपे रख है ये लफज सतगुरु ने सेवक लई भी वरत्या है ते अपने उस मालक वाहिगुरु परमात्मा ने अपने लिए भी वरत्या है। जदों असीं कहिंदे आं जो मांगै ठाकुर अपने ते ठाकुर भी अपना ते सेवक भी अपना। असीं अक्सर ही कहिंदे इह साडा अपना है। वो अपना किवें है? इह साडा अपना खून है। इस सिद्ध नाल साडा आंदरां दा रिश्ता है अंदरूनी रिश्ता है। बच्चा जिस वेले पैदा हुंदा है उसका मां नाल एक संबंध हुंदा है। बच्चे दे पेट नाल एक आंदर जुड़ी हुंदी है जिन्हों असी नाड़ूआ कहने हैं। इसलिए मां कहती है मेरिया आंदरां है। वो अंदरूनी रिश्ता करके कहिंदा है ये मेरा अपना बच्चा है ते बच्चा ये कहिंदा है मेरी अपनी मां है। अपनापन जिहड़ा साडा अपना होवेगा उदी ओनी ही संभाल होवेगी। जिन्ना बेगाना होवेगा उदी संभाल भी घट होवेगी। अक्सर काडे साडे घर अंदर कई बार एहो जे रिश्तेदार आ जांदे हन जिहड़े बिलकुल साडे बड़े अपने ते बड़े करीब जिन्हां नाल अंदरूनी रिश्ता हुंदा है ते असीं कहिंदे आ तुसीं इस बैड ते सोवो असीं थल्ले भी सौ जावांगे। साडे अपने हन। कई बार असी किराए ते मकान लिया होवे साडा अपना ना होवे जिन्हां ने किराए ते दित्ते हन जे ओह देखभाल ना करन ते किराएदार उस नूं खंडर बना दिंदे ने क्योंकि उन्हां दा अपना नहीं है।
जिसका अपना मकान होंदा संभाल करता है, वह हर दिवाली ते उसनू कलर करेगा, उदी देख रेख करेगा, उनू बड़ा संभाल के रखेगा। यह मेरा अपना मकान है। इसे तरह ही जदों कोई सतगुरु का अपना बन जाए तो सतगुरु भी उसकी संभाल करता है। वह कहिंदे जी यह मेरा अपना है, और जो अपना बनया उस दे बारे असी रोजाना अपने सेवक की आपे रख है, रोजाना साहब के बचन पढ़ते हाँ, हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया, राम राजे हरनाकश दुष्ट अर मारिया प्रहलाद तराया। हंकारियां निंदकां पिठ दे नाम दिओ मुख लाया, जेड़े अपने सन उन्होंने मुख लाया, ते जेड़े अपने नहीं सन पिठ दे। मनुख बेगाने नाल पिठ करदा है, अपने नाल सांझ पांदा है। ये बाणी जिसनू असी कहने हां ये अपना है, उन्हें ख्याल करना यह विचार करने वाली है गल है। असी हरेक चीज नू बड़ा ही संभाल के रखी दा है। मनुख कोल दौलत है किन्नी संभाल दा है, कहिंदा जी मेरी अपनी है और मैं मेहनत कीती है। मनुख अपनी पदवी नू संभाल दा है, मैं बड़े इस ते मशक्कत करके पदवी मिली है। मनुख अपने शरीर नू मेरा अपना है इहदी भी संभाल करदा है, हरेक चीज की संभाल करदा है। कई बार घर गुटके एवें पे होंगे ने, कोई संभाल नहीं करता क्योंकि गुरु साडा अपना नहीं है। मैं तो इथों तक भी वेखिया है कि कई जगह लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश पौड़ी थले किया है, क्योंकि गुरु अपना नहीं है। जे साडा कितने अपना पिता घर आ जाए तो वह ठीक कहती पिता जी तुम इस बैड सौ, असी कोई गल नहीं भवे जिथे मर्जी सौ जाए, तुम मेरे अपने पिता हो। पर इन्हों बचना से प्रतीत नहीं बनती कि असी कहने तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई। जिथे कोई साथ नहीं होंदा, अगर कोई अपना होंदा है, जह मात पिता सुत मीत न पाई, मानूहा नाम तेरे संग सहाई। जेड़ा अपना है ओदे बारे सतगुरु की बाणी कह रही है, सब किछ अपना इक राम पराया, अपने सेवक की आपे रख। दो रिश्ते हैं गुरु दा ते सिख दा। सतगुरु की एक अष्टपदी जदों असी सतारवीं अष्टपदी ते अठारवीं अष्टपदी पढ़ते हाँ, सतारवीं अष्टपदी विच गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने बचन किया। उस अष्टपदी विच कहिंदे ने आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच। कहिंदे ने गुरु दा परमात्मा दा ते उहदे जन दा रिश्ता जिहड़ा है ना, वह आद तो सच है, जुगां तो सच है, हुण भी सच है, आने वाले समय में भी सच रहेगा, क्योंकि वह एक दूजी के अपने हो गए हैं। सेवक कहिंदा प्रभु मेरा अपना है, तो प्रभु यह कहिंदा जन मेरा अपना है। उहदे सच्चे पातशाह ने शुरुआत करदियां किया चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार। चरण सत जिहड़ा सेवक यह है वह चरण सत नूं पकड़ लैंदा है और उन्होंने फड़दा है जेड़े सत ने। किसी के भी पैर हैं वो सत नहीं हो, पर शब्द रूपी जेड़े चरण हैं ये सत हैं। जो असी कहने ना गुरु चरण लगो, उदा भाव शब्द ना जुड़ना, गुणा नाल जुड़ना। ये चरण सत हैं जेड़ी सतगुरु की बाणी है, इसलिए इन्हू कहा गया है कि इस चरण सत ने जिहड़ा इन्हू परसद है वह भी सत हो जाता है। इत्थे दो रिश्ते ने, एक चरण चरण सत सत परसनहार। परसनहार दा ते चरण दा आपसी रिश्ता है। चरण दा अर्थ इत्थे परमात्मा नाल है, परमात्मा दे गुणा नाल है, परमात्मा दे उपदेश नाल है, ते उन्हू परसदा कौन है उहदा सेवक। फिर वह सेवक करदा की है, पूजा सत सत पूजा करदा है, सच्ची पूजा करदा है। किवें
असी रुमाला पेट कर सकते हैं, माया पेट कर सकते हैं, पर सेवक अपने प्राण पेट कर देता है क्योंकि मेरा अपना है। साडा पिता बाजार विच किसी गली विच किसी जगह ते भी कोई उन्हूं माड़े लफज कवे पुत्र अपनी जान दे देगा, कहेगा मेरा अपना पिता है, इन्हूं कौन बोल सकता है। सेवक भी अपने प्रभु पति सब कुछ समर्पण कर देता है। इसलिए उस ते गल चलदियां चलदियां पर सच्चे पातशाह ने अगली बचन जाके जदों अखीर विच कहे ना, तीन जन अपना प्रभु पछाता, तीन जन अपना प्रभु पछाता। तुहाडा अपनापन उदों होवेगा जदों सानू पछाण होवेगी। जे सानू पछाण ही नहीं तो साडा अपनापन कदी नहीं बन सकता। जिस बच्चे नू अपने पिता की पछाण हो जाए कि उन्हें मैनू उंगली ला के तुरना किवें सिखाया, उन्हें मेरी रोटी पानी का प्रबंध किवें कीता है, उन्हें मैनू इन्ना पढ़ा लिखा के आप भुखिया रह के आप जीवन की इन्नी वड्डी मशक्कत करके मैनू स्टैंड किया, जदों प्रभु उन्हू अपने पिता नू बच्चा पछाणदा है, वह कहिंदा जी मेरे पिता वर्गा कोई नहीं है। जे बच्चा यह गल पछाण लवे कि मेरी मां ने मैनू किस तरह पालिया है, जिन जने अपना प्रभु पछाता, इस जगह तक पहुंचने लई अपने सेवक की आपे राखे वाले यह गल तक पहुंचने लई सच्चे पातशाह ने अगे जांदियां इथों तक जन की गल की, आठ पैर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक से जन पूरे। उस जन की ओट लैन लगिया हुण तक सी गुरु की परमात्मा की गल कि गुरु परमात्मा का है तो परमात्मा गुरु का है, इसलिए क्या जन में पार ब्रह्म में जन जन में प्रा ये असी बाणी दियां तुकां पढ़दे हां। गुरदेव सच्चे पातशाह ने अगली अष्टपदी आरंभ कीती, इत्थे गल कीती गुरु ते सिख दी। सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाओ तिसके संग सिख उदर है। इत्थे सिख दी ते गुरु की गल कीती किवें अपनापन, हुण गुरु की क्वालिटी है, जिस गुरु नूं असीं कह सकीए साडा अपना है, जिस गुरु नूं कहीए साडा अपना है, कि जदों अपनापन कदों आउंदा। एक होर ख्याल करना, कई बार किसे कोल चार पैसे होण ते असीं कहीदा इह साडे अपने हन, पर जदों किसे कोल गरीबी होवे ते उस वेले कहीदा दूर दा रिश्तेदार है। हुण अपने दीआं वी कुछ क्वालिटियां ने, गुरु नूं अदी उस वेले अपना कहांगे। सच्चे पातशाह जी बचन कह रहे ने, कहिंदे कि सतगुरु सिख की करे प्रतपाल। जदों गुरु प्रतपालना करे, जिन्ना चिर सिख की प्रतपालना करदा है गुरु, और किस तरह करदा है अंदरों भी ते बाहरों भी। गुरु सिख की प्रतपालना इस तरह करता है जिवें हर एक मां अपने बच्चे दे शरीर की तंदुरुस्ती चाहती है, अपने बच्चे नू पालदी है, अपने बच्चे का ख्याल रखती है। गुरुदेव महाराज सच्चे पातशाह आप अपने सेवक की रक्षा करते ने। इत्थे बचन जो असी हुणे सरवण कीता है, अपने सेवक की आपे रख है। उस दी गल करदियां सतगुरु सेख की करे प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सतगुरु सेख की दुरमत मल ही रह, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुरु सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै। इथों तक गल कीती भी सतगुरु ए करदा है, पर कदों सेवक किहो जिहा होवे। गुर के ग्रह सेवक जो रहै, गुर की आग्या मन में सह। हुण लफज है सह, इनू असी लफज है सहन करना। हुण दो चीजां ने, बंदे कोल पैसा आ जावे ते तां वी सहन नहीं हुंदा, जे बंदे कोल पैसा चला जाए ते तां वी सहन नहीं हुंदा। जिस सेवक दी प्रभु रखिया करदा है, वह सेवक कैसा है। यह बचन असी जरूर मना विच रखणे ने। असी कई बार कहने असी ते रोज गुरुद्वारा साहब जाईदा, रोज बाणी पढ़ीदा, प्रभु जी असी ते तुहाडे सेवक हां, पर तुसी साडी रखिया नहीं करदे। उस सेवक जेड़ा प्रभु दा अपना है, उहदी इह निशानी है, गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आग्या मन में सह। हुण ये ख्याल करना, जदों बंदे कोल पैसा आंदा, सच्चे पातशाह की बाणी का बड़ा सुंदर ख्याल है,
असी बचन साहब के कई बार सरवण करते हैं कि सतगुरु कहते ने माटी को पुत्रा कैसे नचत है, जब कछ पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। हुण असी इस कंडीशन ते असी वेख सकते हैं कि असी तुहाडे प्रभु जी सेवक हाँ कि मेरे को पैसा आवे ते मैं हंकारी ना होवां, ते जे किते कोई घाटा चला जावे पैसा ते मेरे अंदर रोना ना होवे, मैं कहां प्रभु ये भी तुहाडी रजा है। सिक्खी दो चीजां नाल चलदी है, प्रभु दी रजा ते प्रभु दी रहमत। आ जावे ते रहमत है, चला जावे ते रजा है। ये दोनों चीजां साडे विच होणियां। सेवक ओ है मिल जावे ते कहे प्रभु तुहाडी रहमत है, जे कुछ कुछ चला गया ते कहे ये भी तुहाडी कोई रजा है, ये तुहाडा पाणा है। इसलिए सच्चे पातशाह कहिंदे गुर के ग्रह सेवक जो रहै, गुर की आग्या मन में सह, आपस को कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सद त्यावै, मन बेचै। पंक्तियां दी ते बड़ी व्याख्या है, भाई साहब बह गए हन। बेचै, तुसी किसे नूं मकान बेच दिओ, जिन्हूं वेच देंदे हो दुबारे नहीं वेच सकदे। जे तुसी वेचोगे तो 420 दा मुकदमा हो जाएगा, तुहानूं जुलम जिहड़ा है उह भी तुसी किसे ते जुलम कीता है, तुहाडे उत्ते धोखा धड़ी दा मामला है, सजा हो जाएगी। पर जदों मैं कहां गुरु ग्रंथ साहिब तुहानूं अपना मन वेच दिता है, हुण मैं किसे तवीत वाले पासे अपना मन नहीं दे सकदा, मैं किसे पिपल वाले पासे नहीं जा सकदा, मैं किसे धागे वाले पासे नहीं जा सकदा, मैं किसे होर पखंड वाले पासे नहीं जा सकदा, क्योंकि मैं ये मन ऑलरेडी पहला ही गुरु नूं वेच चुकिया, यह किसी होर नूं नहीं दिता जा सकता। मन बेचै सतगुरु के पास, ति सेवक के कारजराज, सेवा करत होए न कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसे आप करे, सो सेवक गुर की मत ले। सच्चे पातशाह ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰੱਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਠਤਾਵੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਅਦਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੋਪਲੀ ਲਾਈਵ ਟੇਰਾ ਟੇਰਾ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।